तो जहाँ से हमने एपिसोड ख़त्म किया था, अब हम उसके आगे से एपिसोड स्टार्ट करने जा रहे हैं, द सोलो लेवलिंग, या फिर हम इसे लेवल अप के नाम से भी जानते हैं। सो अब एपिसोड स्टार्ट करते हैं। एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें उसी डेड ड्रैगन की बॉडी को दिखाया जाता है। उस ड्रैगन का नाम कमिश होता है। सन हिंग जो अपने शैडो पावर को यूज़ करते हुए उस ड्रैगन को अपना शैडो वॉरियर बनाने की कोशिश करता है, मगर जैसे ही वो ड्रैगन जिंदा होता है, वो सन हिंग जू को देखते हुए कहता है, क्या तुम वही हो जिसने मुझे अभी अभी समन किया है, किंग ऑफ द डेड शैडो मोनार्च? और उसे ड्रैगन को बोलते हुए देखकर बाकी सब लोग हैरान और घबरा जाते हैं। जैसे ही ड्रैगन उन सभी लोगों की तरफ देखता है, वैसे ही वो बोलना स्टार्ट कर देता है, इंसान मैं तुम सभी लोगों को नहीं छोड़ूंगा। और फिर उसके बाद वो ड्रैगन मैजिक ग्लास पर अपना एक हाथ मारता है, उसके बाद मैजिक ग्लास चटक जाता है। और ये देखकर वहां पर टॉप लेवल हंटर कहता है, ऐसा नहीं हो सकता है, ये ग्लास नहीं चटक सकता है, इस ग्लास में टॉप लेवल हंटर के मैजिक का इस्तेमाल किया गया है। मगर वो ड्रैगन उस ग्लास को तोड़कर बाहर आ जाता है और अपने मुंह में एक मैजिक बॉल बना लेता है अटैक करने के लिए। तभी वहां का एक हेड बोलता है, सन ही जू सर, अब हमें यहां से भागना होगा, वरना तो हम सभी लोग इसके एक अटैक में ही मारे जाएंगे। तभी सन हिंजू उस ड्रैगन से बोलता है, अब बस करो, अब जब तुम्हारे हेड पर क्रिस्टल लगा हुआ था वो कब का निकाल लिया गया है, तो अब तुम्हें जरूरत नहीं है किसी के ऑर्डर को फॉलो करने की। तभी यह सब देखकर वहां पर एक आदमी बोलता है, क्या हंटर सन हिंजू सर एक मॉन्स्टर की टंग में बात कर रहे हैं? दूसरा आदमी कहता है, मुझे तो अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हो रहा है। वो ड्रैगन बोलता है, किसी टाइम पहले मैंने ड्रैगन एम्परर को सर्व किया था अपने आप का, उसने मेरे हेड पर इस क्रिस्टल को लगा दिया था, अब मैं नए शैडो मोनार्च के सामने अपना सर झुकाता हूँ। फिर उसके बाद सन हिंग जू उसके सर को सहलाते हुए कहता है, तो फिर तुमने ड्रैगन एम्परर को सर्व किया था इससे पहले? ड्रैगन कहता है, हाँ माई लॉर्ड, आपने बिल्कुल सही कहा, मैंने इससे पहले किंग ऑफ ब्रिक्स द ड्रैगन ऑफ मोनार्च ऑफ डिस्ट्रक्शन को सर्व किया था। संग जिन हूँ अपने मन में सोचते हुए कहता है, मैंने कभी नहीं सोचा था एक शैडो ड्रैगन के पास इतनी ज़्यादा पावर हो सकती है और साथ में ईगो। सन हिंग जू फिर दोबारा कहता है, ये मॉन्स्टर उन सभी मॉन्स्टर से अलग है जिन्हें मैंने अभी तक देखा है। मैं ये देखकर कह सकता हूँ कि इसमें इनक्रेडिबल पावर है। उसकी पूंछ को हिलते हुए देखकर बाकी लोग काफ़ी ज़्यादा हैरान होते हैं। सन हिंग जू दोबारा मन में सोचते हुए कहता है, तो द किंग ऑफ द डेड शैडो मोनार्च और द किंग ऑफ द गाइंट मोनार्च ऑफ बिगनिंग सिस्टम के हिसाब से 9 मोनार्च में से एक होना चाहिए। तभी वो ड्रैगन गायब होना स्टार्ट हो जाता है और कहता है, सन हिंग जू से अफसोस है माय लॉर्ड, मुझे अब आपसे अलविदा लेना होगा। ये सुनने के बाद सन हिंग जू कहता है, रुक जाओ। वो ड्रैगन मॉन्स्टर गायब होते हुए कहता है, मेरे लॉर्ड, मुझे लगता है कि हमारी मुलाकात काफ़ी ज़्यादा लेट हुई है। सन हिंग जू चिल्लाते हुए कहता है, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। ड्रैगन मॉन्स्टर दोबारा कहता है, काश मैं आपसे पहले मिला होता, आप बहुत ज़्यादा पावरफुल हैं। फिर ड्रैगन दोबारा कहता है, मेरे किंग, चार इंसानों ने रूलर्स की पावर को उधार लिया था, कृपया आप उन सभी से सावधान रहिएगा। फिर वो ड्रैगन मॉन्स्टर लास्ट में कहता है, मेरे नए किंग की प्रेजेंस में मेरा होना मेरे लिए काफ़ी सम्मान की बात रही है। फिर उसके बाद सन हिंग जू का शैडो एक्सट्रैक्ट फेल हो जाता है। फिर उसके बाद सन हिंग जू का सिस्टम कहता है, अब हम दोबारा शैडो एक्सट्रैक्ट इस ड्रैगन के ऊपर अप्लाई नहीं कर सकते हैं। फिर सन जिन हू मिस्टर वाइट से कहता है, यहाँ पर जितना कुछ भी टूटा है या फिर खराब हुआ है उन सब का खर्च उठाने के लिए मैं तैयार हूँ। मिस्टर वाइट कहते हैं, हाँ क्यों नहीं। फिर उसके बाद सन हिंग जू उस रूम से बाहर निकल जाता है और हंटर इवेंट में वापस आ जाता है। तभी जिन चुल पूछते हैं कि सर आप इतनी देर से कहाँ पर थे? सन हिंग जू कहता है, मैं तो बस रिसेप्शन पर था। फिर उसके बाद जिन चुल हू पूछते हैं कि आप हंटर चिनू से मिले, आपके जाने के बाद चिनू भी यहाँ से चला गया था, आपने बताया कि आप उसका हंटर ब्यूरो में वेट कर रहे हैं। संग जिन हू कहता है कि मैं तो बस अभी वहाँ से आया हूँ, तुम क्या बात कर रहे हो? तभी एडम वाइट आते हुए कहते हैं कि चिनू विजिटर रूम में भी नहीं है। तभी जिन चुल हू कहते हैं कि अभी 2 घंटे पहले स्क्रेंजर ग्रुप के हंटर आए थे, कहीं वो तो नहीं ले गए? एडम वाइट कहते हैं, स्क्रेंजर ग्रुप के काफ़ी क्लोज रिलेशनशिप है हंटर ब्यूरो के साथ, उनसे मैं अभी डायरेक्ट पूछता हूँ, ये बेटर ऑप्शन रहेगा। संग जिन हो कहता है, मुझे काफ़ी ज़्यादा बैड फीलिंग आ रही है। एडम वाइट लोरा को फ़ोन में बताते हैं कि चिनू हाजिन गिल्ड का प्रेसिडेंट यहाँ से गायब है। ये सुनने के बाद लोरा हैरान हो जाती है और कहती है, चिंता मत करो, मैं उसे जल्द से जल्द ढूंढने की कोशिश करती हूँ। फिर उसके बाद एडम वाइट ये न्यूज़ सन हिंग जू को बताने के लिए जैसे ही पीछे मुड़ते हैं, वहाँ से सन हिंग जू गायब हो चुका होता है। संग जिन हूँ बहुत तेज़ी के साथ जिनू को खोजने के लिए निकल जाता है और कहता है कि ये सब मेरी गलती है, मैंने उसे शैडो मोनार्क नहीं दिया चेयरमैन को बचाने के चक्कर में। संग जिन हूँ सोचता है कि अगर ये दोबारा होता है। तभी अपनी बात बीच में रोकते हुए कहता है अराइज, फिर उसके बाद अपने बहुत सारे शैडो सोल्जर्स को चिनू को ढूंढने के लिए भेज देता है।
फिर उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें थॉमस आंड्रे को दिखाया जाता है जो कि किसी को बहुत बुरी तरह से पीट रहा होता है अपने साथियों के साथ। थॉमस आंड्रे कहता है बस बहुत हो चुका है वांग डोंग सू। थॉमस आंड्रे कहता है वांग डोंग सू को जल्दी से ढूंढना, उससे पहले संग जिन हू ना ढूंढ ले उसे।